पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए निकाला आक्रोश मार्च। अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज की सड़कों पर हाथों में बैनर पोस्ट लिए हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने बाइक रैली के माध्यम से निकाला आक्रोश मार्च। इन लोगों की मांग है कि एक देश एक विधान, पेंशन भी हो एक समान। अटेवा संगठन के जिला संयोजक मंजीत यादव ने बताया कि नई पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस के स्थान पर जो यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है वह हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है। हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अपनी मांग ज्ञापन के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री को भेजेंगे। गौरीगंज स्थित विकास भवन से निकली यह आक्रोश रैली कलेक्टरेट परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के उपरांत समाप्त हुई। क्या नाम है आपका और कैसी आक्रोश रैली आपके द्वारा निकाली जा रही है? मंजीत यादव, जिला संयोजक अटेवा एनओपीएस अमेठी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधू जी के नेतृत्व में पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एनपीएस के बाद जो यूपीएस की एक नई स्कीम लाए हैं, ये पेंशन के रूप में हम लोग स्वीकार नहीं है। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में हम लोग ओपीएस की बहाली के लिए आज अमेठी की सड़कों पे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रत्येक जनपद मुख्यालय पे पूरे प्रदेश में पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। उसी कड़ी में जनपद अमेठी की समस्त कर्मचारी शिक्षक संगठनों के नेतृत्व में यह जनक्रोश या आक्रोश मार्च निकला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देके मांग करेंगे कि आप एनपीएस का जो यूपीएस का रूप दिए हैं वो हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमें हु बहु पुरानी पेंशन ओपीएस चाहिए। कहां से कहां तक ये आक्रोश? ये विकास भवन से लेकर हम लोग शांतिपूर्वक क्रमबद्ध ढंग से अपने शासन प्रशासन के सहयोग से कलेक्टर तक माननीय जिला आदरणीय जिलाधिकारी महोदया को हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने के लिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदया को हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने के लिए जा रहे हैं।